नमस्कार। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा युद्ध कम था कि अब दुनिया के दो और देश युद्ध की आग पे खुद को जलाने के लिए बेताब हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं चीन और ताइवान की, जिनके बीच गहराता तनाव देखिए बढ़ता ही जा रहा है दिन पर दिन। अमेरिकी संसद के स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा ने ड्रैगन को इतना गुस्सा दिला दिया है कि अब ये दो देश युद्ध की कगार पर पहुंच चुकी हैं। चीन ने ताइवान से सटी अपनी सीमा पर देखिए बड़े पैमाने पर जंगी जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर और पनडुब्बियों की तैनाती कर दी है। और चीन की इस हिमाकत पर ताइवान भी बोल चुका है कि जरूरत पड़ने पर वो भी बल का प्रयोग पूरी तरह से करेगा। और चीन के युद्ध अभ्यास के कारण देखिए जहां ताइवान को अपने कई शिपिंग रूट बंद करने पड़े हैं, तो वहीं ताइवान का हवाई यातायात भी चीन के मिसाइल परीक्षण के कारण प्रभावित हुआ है। और यही वजह देखिए जिसके चलते पूरी दुनिया की नजरें इन दो देशों पर टिकी हुई है। भले ही देखिए ताइवान के मुकाबले चीन इस वक्त सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, एक्सपर्ट भी ये मानते हैं कि ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन को कम से कम 20 लाख जवानों की जरूरत पड़ेगी। हालांकि देखिए अपनी इतनी बड़ी सेना अगर चीन युद्ध में झोंक देता है, फिर भी पुख्ता नहीं है कि चीन युद्ध जीत पाने में कामयाब हो पाए, क्योंकि क्या पता चीन का भी वही हाल होगा जैसा कि रूस का हो रहा है। और अगर ताइवान पर कब्जा करने में कामयाब भी होता है तो आर्थिक नुकसान तो चीन को झेलना पड़ेगा। ऐसे में देखिए इन दो देशों की कुंडली क्या कहती है, किन ग्रह नक्षत्रों के चलते ये दो मुल्क युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, और साल का ये आखिरी चंद्र ग्रहण चीन और ताइवान में से किस पर सबसे ज्यादा भारी है, इसको लेकर ज्योतिष की दुनिया से एस्ट्रोलॉजर सचिन मल्होत्रा की भविष्यवाणी क्या कहती है, देखिए। चीन और ताइवान की कुंडली। चीन और ताइवान की स्थापना कुंडलियों की भांति उनके पारस्परिक संबंधों का इतिहास भी रक्त रंजित और बेहद जटिल था। 1895 में जापान से हुई युद्ध में पराजय के बाद चीन को ताइवान उसे सौंपना पड़ा। ठीक इस घटना के 50 वर्ष के बाद जापान के दूसरे विश्व युद्ध में हार जाने पर ताइवान उसके चंगुल से आजाद हुआ, किंतु तब तक चीन में कम्युनिस्टों और लोकतंत्र समर्थक राष्ट्रवादी दलों के बीच संघर्ष अपने चरम पर था। चीन के इस गृह युद्ध में मार्क्सियों के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन की मुख्य भूमि पर कब्जा जमा लिया था, तथा राष्ट्रवादी पार्टी के नेता चियांग क्वेई शेक के हिस्से में केवल ताइवान का एक छोटा सा द्वीप आया। ताइवान की स्थापना कुंडली 25 अक्टूबर 1945 को मध्यरात्रि राजधानी ताइपे की है, जब वो जापान से आजाद हुआ था। कर्क लगन की इस कुंडली में लगन में ही पाप ग्रह मंगल और शनि की अशुभ युति है, जिस कारण जन्म से ही इस राष्ट्र को ग्रह युद्ध का सामना करना पड़ा। ताइवान की कुंडली में लग्न के अधिपति होकर चंद्रमा लाभस्थान यानी कि एकादश भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि वृषभ में विराजमान है, और जिस पर भाग्य भाव के स्वामी गुरु की नवी दृष्टि पड़ रही है, जिसे एक बड़ा धन योग बन रहा है। अपने जन्म से ही ताइवान को पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका और जापान का संयोग मिला, जिस दम पर यह राष्ट्र आज तकनीकी क्षेत्र में एक अग्रणीय देश है। ताइवान के चिप और सेमीकंडक्टर्स का निर्माण करने वाली कंपनियां दुनिया के आधे से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए उत्पाद बनाती है। ताइवान की कुंडली में भूमि स्थान यानी चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र है, जो अपनी नीच राशि कन्या में बैठा है, जबकि विवाद स्थान यानी छठे घर का स्वामी गुरु कुंडली के तीसरे में घर, जिसे पड़ोसी स्थान कहते हैं, उसमें शुक्र के साथ संयोग बनाकर बैठा है। गुरु और शुक्र के इस संयोग पर युद्ध यानी सप्तम भाव का विनाश स्थान यानी अष्टम भाव के स्वामी शनि की अशुभ दृष्टि है। वर्तमान में केतु की ही महादशा में शुक्र की अशुभ दशा 15 अक्टूबर 2021 से लेकर 15 दिसंबर 2022 तक चलेगी। इस कमजोर शुक्र की अंतरदशा में ताइवान के कुछ हिस्से पर चीन सैन्य कार्रवाई कर सकता है, और साल के अंत तक ताइवान पर चीन का खतरा मंडराता रहेगा। 2022 का अंतिम चंद्र ग्रहण। 8 नवंबर को मेष राशि में पड़ने वाला चंद्र ग्रहण चीन और ताइवान दोनों के बीच तनाव बढ़ा सकता है। इससे पहले वृषभ राशि में मंगल का गोचर 8 अगस्त को होगा, जिसके बाद चीन ताइवान की घेराबंदी तेज कर लेगा। इस वर्ष मंगल वृषभ राशि में वक्री होकर 5 भाव तक रहेंगे, जिसके चलते चीन और ताइवान के बीच सीमित क्षेत्र में सैन्य संघर्ष हो सकते हैं। चीन के मकर लग्न की कुंडली में लगन और चंद्र दोनों पर गोचर में शनि का वक्री होकर आना भी इस वर्ष के अंत तक ताइवान के लिए शुभ नहीं है। इससे ताइवान को सैन्य और राजनीतिक संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। तो देखा जाए तो इस वक्त चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है, और 2 महीने बाद खासकर चीन में राष्ट्रपति के चुनाव है, और ऐसे में शी जिनपिंग के जीतने की सबसे ज़्यादा संभावना है। लेकिन एक खुद को एक नेता साबित करने के लिए ऐसा हो सकता है कि शी जिनपिंग ताइवान पर हमला कर सकते हैं, और अगर चीन और ताइवान के बीच युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है जो इस वक्त हो रही है, और अगर ये दोनों मुल्क युद्ध की आग में जाते हैं, तो इसको लेकर आगे क्या अंजाम होगा, ये हमने आपको भविष्यवाणी के अनुसार बताएंगे ग्रह गोचर के हिसाब से। लेकिन आप इन दो देशों को लेकर आपकी खुद की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।